हाय दोस्तों, आईटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। लगभग हर स्मार्टफोन में कंपास ऐप दिया जाता है, ताकि इस ऐप की मदद से आप डायरेक्शन का पता लगा सकें कि किस दिशा में उत्तर है और किस दिशा में दक्षिण। बट इस ऐप को ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, मगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ऐप को डेली यूज़ करेंगे, क्योंकि इस ऐप के मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। जैसे कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके स्मार्टफोन में कोई ताकझांक कर रहा है, आपके स्मार्टफोन में रहे फोटोज वीडियो देख रहा है, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपके फ़ोन में जितने भी फोटो हैं, जितने भी वीडियो हैं, ऑडियो हैं या फिर सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, आपके सिवा और कोई ना देखे, तो आप इस कंपास में अपने एक प्राइवेट स्टोरेज बना सकते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि आप इस कंपास में अपने एक प्राइवेट गैलरी बना सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इस कंपास में अपने एक प्राइवेट स्टोरेज बना के रखी हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपास ऐप को कोई भी यूज़ नहीं करता है, और इसी का ही फायदा उठाकर आप अपने सारे प्राइवेट फोटोज़ और वीडियो इस कंपास ऐप के पीछे छुपा सकते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं हाईटेक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और खास करके इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगर ये ऑन होगा ना तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस कंपास ऐप को इंस्टॉल करना होगा, और इस ऐप की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर डायरेक्ट आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आप इस ऐप को ओपन कीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद सिंपल है, आपको इस कंपास के बीच में इस पॉइंट पर होल्ड करना है। जैसे आप यहाँ पर होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ परमिशन देनी होगी, तो आप सारी परमिशन दे दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड ऐड करना होगा, तो कोई भी एक पासवर्ड ऐड कर दीजिए जिसे आप याद रख सकें। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 ऐड कर दिया है। एक बार फिर से आपको यहां पर पासवर्ड ऐड करना होगा, तो यहां पर ये कंफर्म हो चुका है। इसके बाद ये ऐप आपसे कुछ सवाल पूछेगी, जिसमें सबसे पहला सवाल होगा व्हाट इज योर नाइक नेम। तो जो भी आपका नाम है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए, और बूम, ये सारा सेटिंग जो है यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप इमेज यानी कि फोटो वीडियो ऑडियो और नोट्स यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल को सेव कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर आप उन सभी फाइल को छुपा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ फोटोज़ हाइड करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल हम इमेज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम इसी फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ आपको एक प्लस वाला आइकॉन मिल जाएगा, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब आपके स्मार्टफोन में जितने भी फोटो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब जिन फोटो को आप हाइड करना चाहते हैं उन सभी फोटो को आपको सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर मैं इन फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद ऊपर की तरफ आपको एक लॉक का आइकॉन मिल जाएगा, सिंपल आप वहां पर क्लिक कीजिए और बूम, सारे फोटो जो है वो हाइड हो जाएंगे, और ये फोटो अब आपकी गैलरी में भी दिखाई नहीं देंगे, आपको ये फोटो यहीं पर ही मिलेंगे। अब अगर हम बात करें वीडियो की, तो वीडियो को भी आप यहां पर हाइड कर सकते हैं, सिंपल है प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब जिस वीडियो को हाइड करना है उस वीडियो को आप सिलेक्ट कीजिए और लॉक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही ये वीडियो जो है वो हाइड हो जाएगा। अब आप इन फोटोज को और इन वीडियो को जो है वो गैलरी में जाके नहीं देख सकते, क्योंकि यहां पर ये हाइड हो चुके हैं। तो इसी तरह से ही आप अपने प्राइवेट फोटोज वीडियोस ऑडियो या फिर हम कहें डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप किसी इमेज को या फिर वीडियो को अनहाइड करना चाहते हैं तो उस पर आप होल्ड कीजिए, होल्ड करने के बाद आप उसे यहां से डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर उसे अनहाइड भी कर सकते हैं, या फिर उसका नाम भी जो है वो चेंज कर सकते हैं।